हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वायदा करके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भूल गए हैं, जिसके चलते प्रदेश के 2400 अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के तहत 3 सालों से अभ्यर्थियों के भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। सरकार की बेरुखी से नाराज पोस्ट कोड 556 की अपात्र घोषित किए गए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्हें भीख मांगने के लिए कटोरा देने की मांग की है। ये अभ्यर्थी पिछले 3 सालों से नौकरी के लिए आंदोलनरत हैं। एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी के चलते बाहरी राज्यों में प्रदेश पहुंचे युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले 3 सालों से हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पोस्ट कोड 556 के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को सिर्फ वादे ही मिले हैं। वादे और आश्वासन गली नुक्कड़ अथवा मंचों से नहीं बल्कि विधानसभा के पटल से दिए गए हैं, लेकिन नौकरी के लिए तंबू गाड़ कर अनशन करने वाले प्रदेश के इन सैकड़ों युवाओं का भविष्य सरकार की नजरअंदाजी से दांव पर लग गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल तक उन्हें आश्वासन दिया गया, अब या तो नौकरी दी जाए या फिर मुख्यमंत्री उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दे, ताकि वे भीख मांगने के साथ ही सरकार के झूठे आश्वासनों के बारे में लोगों को बता सकें। हम पोस्ट कोड 556 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें आज तक हमें हमारा हक नहीं मिला, हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। हम लोगों ने कुछ समय पहले पोस्ट कोड 556 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें हम लोगों ने उसे पास किया। उसके बाद हमारी टंकण परीक्षा हुई, उसे भी हम लोगों ने पास किया। उसके बाद जो तीसरा चरण था डॉक्यूमेंट इवेल्यूएशन, वहाँ भी उस चरण को भी हम लोगों ने पास किया गया। बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की, तो हमारी पोस्ट कोड से पहले भी एक भर्ती हुई थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 447, जिसमें सभी डिग्री डिप्लोमा या किसी भी शिक्षण संस्थान से जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा किया हुआ था और जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया हुआ था, उन्हें नियुक्तियाँ भी दी गई, उन्हें ज्वाइनिंग भी दी गई, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जब पिछली पोस्ट कोड का जो R&P था, उसी R&P के तहत हमारी पोस्ट कोड 556 की जो भर्ती हुई, जब सेम R&P में दोनों पोस्ट की भर्ती हुई, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों? एक पोस्ट कोड में आप सभी को एलिजिबल कर रहे हैं, सभी को पात्र घोषित कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पोस्ट में आप हमें अपात्र घोषित करके बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर बात करें रूल्स की, तो जो नए रूल्स अमेंड हुए, जो नए रूल प्रकाशित होने वाले हैं, उनके तहत तो सभी को दोबारा से मौका दिया गया, जिसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन थी वो +2 रखी गई। लेकिन विडंबना ये है कि जो पोस्ट कोड 556 से पहले की भर्ती थी, उसमें भी सभी को लिया गया। जो आगे वाली भर्ती होने वाली है, उसी में भी सभी को एलिजिबल किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ अभी भी वही अन्याय हुआ। हमें जो रिमेनिंग 556 की बची हुई सीटें थी, वो हमें अभी तक नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बाहर स्ट्राइक भी की, लेकिन जब उस दौरान विधानसभा सत्र धर्मशाला में मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया कि जो ये सब कैटेगरी है, इन्हें एलिजिबल करने की हमारी मंशा है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री महोदय ने अपना ये वायदा पूरा नहीं किया, और इसके चलते हम मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय आप अपना वायदा पूरा नहीं कर सकते, तो कृपया इस तरह का कोई भी वायदा ना करें कि आने वाले समय में आपको और आपके वायदों को लोग नापसंद करना शुरू कर दें। आगे के लिए जो भविष्य की हम बात करें, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हमें हमारा हक नहीं देते हैं, तो फिर हम मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगा सकते हैं कि प्लीज़ आप हमें एक भीख का कटोरा दे दीजिए, ताकि हम लोगों से भीख मांगकर आपकी नाकामियों को लोगों के सामने बता सकें, और अपने हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकें कि भविष्य में इस तरह का किसी के साथ अगर कोई इस तरह की कोई भी बात होती है, तो वो जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति सरकार के सामने लड़े। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पोस्ट कोड 556 के तहत सैकड़ों पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया
तीन साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन चयन से ठीक कुछ समय पहले ही निजी संस्थानों एवं संस्थाओं के माध्यम से कंप्यूटर डिप्लोमा करने वाले परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 2400 के करीब अभ्यर्थियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब तीन साल तक आश्वासन देने के बाद इस पोस्ट कोड के तहत रिक्त बचे 500 से अधिक पदों को पोस्ट कोड 727 में मर्ज करने की योजना सरकार बना रही है, जिसका अब ये अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं।